पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यदि आप कर रही हो तो उससे आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी, फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जिस लड़का लड़की का विवाह 30 साल का हो गया, 35 साल के हो गए, लड़का लड़की 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, उनका अगर विवाह नहीं हुआ है, बहुत रिश्ते आए चले गए, संबंध आए चले गए, या जो बेटा बेटी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, हम बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करना, एक प्रयास जरूर। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से, शिवलिंग जलाधारी गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग और ऊपर भगवान शिव की पांच बेटियां जया विषहरा शामलीवारी दौतली देव, तीन प्रदोष या तीन शिवरात्रि, कितनी प्रदोष, तीन या तीन शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, तीन स्थान जहां पर आपको, प्रथम अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखिए। दूसरा शमी का पत्ता, शमी का पत्ता, दूसरा शमी के पत्र को देव अधिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प, एक पुष्प होता है आंख का सफेद और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला, करें दर्शन आप लोगों ने, जम के तो बोलो जरा, करें ना, एक सफेद होता है एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देव अधिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन नीलापन होता है वो शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी जया विषहरा सामरीवारी दौतली देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस पांच पुष्प का गुच्छ माँ जगत जननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में जब कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जा रहे हो उस जगह पर सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे हो, मेहनत के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव को तीन प्रदोष या तीन शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर बाबा से प्रार्थना कर अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापस लेकर आइए। जिस विद्यास्थल पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहां उस बेलपत्र को तीनों प्रदोष की या तीनों शिवरात्रि की बेलपत्र रखिए। जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगाते हैं ये तीनों बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव पत्र आप मेहनत करें खूब।